नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। और चलिए रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के धमतरी में हर साल की तरह इस साल भी डिफेंस एकेडमी रुद्री में लिपिक संघ के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू, पूर्व जिला पंचायत सभापति श्यामा देवी साहू उपस्थित थे। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने छात्राओं को बधाई भी दी। आज मैं इस संस्था को जो प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते हुए देख रहा हूँ, तो निश्चित रूप से बड़ा गौरव का विषय है और हमारे रुद्री ग्राम पंचायत के लिए एक आदर्श के रूप में ये एकेडमी हमारे बीच उत्पन्न हुआ है और यहाँ के बच्चों को रोजगार और मातृभाषा के लिए अच्छा एक संदेश जा रहा है। हमारे देश के लिए एक अच्छा संदेश जा रहा है कि यहाँ बच्चे आज फौज में, पुलिस में और तमाम जगहों पर सिलेक्शन होते जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जब बच्चे बेरोजगार होते तो कहीं ना कहीं हताशा आती है, तो ये हताशा कम से कम रुद्री ग्राम पंचायत में बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ ऐसे डिफेंस एकेडमी जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है कि आज बच्चे पढ़ लिख कर, कम पढ़ा हो, अधिक पढ़ा हो, जैसा भी बच्चा हो, यहाँ पर एक प्रशिक्षण के माध्यम से उन बच्चों का भविष्य।